देख आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम, मैं कोमल। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी, नीरज चोपड़ा वर्सेस अश्विन दीम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो फाइनल होना था। आज था फाइनल और इतिहास के पन्नों में लिखा जाना था ये फाइनल, और इसमें विक्टोरियस हुए हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज चोपड़ा को, और हमें अपने बंदे के लिए दुख हुआ वो फिफ्थ आया है, लेकिन विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी इतना वो यहाँ तक जाना बहुत बड़ी बात है। और नीरज चोपड़ा अर्शद नदीम के हीरो थे, और हीरो जाकर जैवलिन थ्रो में गोल्ड ले आए हैं, तो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स, और न्यूज़ देख लेते हैं जी न्यूज़ की सारा। लेट्स स्टार्ट। की हम सबकी फरियाद पूरी हो चुकी है। 3 साल के नीरज चोपड़ा को शब्द आती थी, जिन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक्स में खेलते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है, और भारत को अपना टोक्यो ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल और दूसरा ओवरऑल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिला दिया है। पहला गोल्ड मेडल लिया आपको, हम सबको, नीरज को, उनसे जुड़े हर लोगों को, उनके परिवार को, उनके कोचेस को, उनकी प्रिपरेशन को, हिमांशु जी मैं आपको, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कर दो। हम सर अपना हाथ ऊपर, मुट्ठी उठाएं और जोर से बोले जय हिंद। अच्छा, ये सारे बैठ के देख रहे थे ना। जय हिंद। इतिहास हमने लिखा है, आने वाले दो ओलंपिक्स में हम अपने आप को करेंगे। टोक्यो में यही गूंज रहा है जी। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले दो जब वो राष्ट्रगान और वो इंडियन फ्लैग जब ऊपर जाता है, उससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं है। मुझे याद है जब वो लंबा मेरे स्कूल ओलंपिक्स को मैंने कवर नहीं किया था, मैंने टीम। तो बाबा जी ये सीन है, इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ दिस ओलंपिक्स और सेकंड इंडिविजुअल, मतलब कि सिर्फ दो गोल्ड मेडल है इस वक्त ओवरऑल हिस्ट्री में इंडिविजुअल। हॉकी के तो वो टीम्स आ जाती हैं ना सारा, लेकिन इंडिविजुअल। और भाईजान नीरज चोपड़ा ने ले लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, ऐसा अपना बंदा है कि फिफ्थ आया है, मतलब के थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन चलो इंडिया का प्लेयर नीरज चोपड़ा, व्हाट अ कॉन्फिडेंस यार। वो लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार ये बंदा लेगा गोल्ड, इंडिया के पास गोल्ड आने वाला है, और उसने पूरी उम्मीदों पे पूरा उतरा वो बंदा। उसने ऐसी थ्रोएं मारी है, 87 की मारी है उसने, 87 मीटर की थ्रो। तो उसके उसने 84 या 85 समथिंग मारी थी। अच्छा। जो अर्शद नदीम था वो अपनी पहली अटेम्प्ट में हैवी वाली मार देता है, उसको दूसरी अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। नीरज चोपड़ा ना पहली अटेम्प्ट में 87 समथिंग मीटर की मार देता, और वो उसके बाद कोई पकड़ ही नहीं पाता उसको। एक ही अटेम्प्ट चाहिए होती है उस बंदे को, और उसी में उसने जो है ना गोल्ड लाया। और अखीर उसने उसकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क हर चीज़ शो करता है, और वो बंदा डिजर्व करता है, जितनी रिस्पेक्ट मिले उतनी कम है। गोल्ड मेडल बहुत यार, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ओलंपिक्स में, वो भी जैवलिन में। एथलेटिक्स का वन ऑफ दी, जिसको कहते हैं ना नॉन गेम्स एथलेटिक्स की, जैवलिन होती है, डिस्कस होती है, ये सारी गेम्स नॉन है, लोगों को पता है इसके बारे में, लोगों के जानते हैं कि कैसे खेली जाती है। और नीरज चोपड़ा भाईजान तार्जन वही ले गए हैं, और अब लोग नीरज चोपड़ा के हेयर स्टाइल भी कॉपी करेंगे। इसने आइकन बन जाना है, देख लेना, इसने जो है ना स्टार बन जाना है, और जैसे ही इसने लैंड होना है इंडिया में,
तो इसको सेलिब्रिटीज से भी बड़ी फीलिंग आएगी। बनती भी है यार, बनती भी है और गोल्ड मेडल लेके आया अगला बंदा, क्या फीलिंग है उसकी। और बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक टू नीरज चोपड़ा और बाकी हम बाकियों के लिए भी जो है प्रैक्टिस करते रहे हार्ड लक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से फाइनल में मिलेंगे और फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का वादा। लेकिन चलो ऐसे ही हार से ही बंदा सीखता है। हाँ, हार से ही सीखता है। और बहुत आला यार, और व्हाट अ यार, वैसे लोग देखा लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। अच्छा, उधर भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, जो ये इधर का जो पाकिस्तान का है उधर उसके भी घर वाले सारे मतलब ऐसे टीवी शीवी लगा के सारे सारे ये भी सारे। और उसके फादर के पहले इंटरव्यू था तो वो कहते गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, नीरज गोल्ड लाएगा लाएगा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था ना उसके फादर को कि गोल्ड लाएगा, और उसने वही प्रूफ किया। और बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, और अब इसको इनामात की बारिश होगी, इनामात की बारिश। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। 1 2 3